तो मतलब स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई 100 के करीब, यानी आंकड़ा जो है वो 100 के करीब तो बीजेपी का आ रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरेगी। लेकिन जेडीएस के बारे में प्रदीप जी ने आप कुछ अपना संशय जाहिर कर रहे हैं, पूरी करिए अपनी बात। जी, अगर जेडीएस मैसूर रीजन के अंदर अपना जनाधार बनाए रखती है और पहले के तरीके से वो अच्छी सीट लेती है तो जाहिर है वहाँ कांग्रेस और जेडीएस के बीच में मुख्य मुकाबला उनके बीच में है, तो वो कांग्रेस की कॉस्ट पर होगा। इसलिए कांग्रेस का आंकड़ा जो है इस पर निर्भर करेगा कि जेडीएस किस प्रकार से अपना मत जो है वो भुगता पाती, अपना जनाधार बरकरार रख पाती। ठीक है, तो कहते हैं ना जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करू गुरुदेव की नाई, तो यही होने वाला है। कृपा करे बजरंग बली, यही तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं। लेकिन मनोज जी, बजरंग बली मुद्दे का कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव इम्पैक्ट होगा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के लिए, माफ कीजिए, बीजेपी के लिए तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जहां तक रहा कि उसने नुकसान कितना कांग्रेस को किया है वो तो हम लोग आंकड़े में देखेंगे, लेकिन इतना मैंने आपको जरूर बोला, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा थी, प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से उस निराशा को खत्म करने का इन्होंने कोशिश किया है। अब ये कितने सफल होते हैं ये तो बाद की बात है, आज तो मैं एक आंकड़ा दूंगा, लेकिन फाइनल तो हमें 13 तारीख को ही पता चला कि लोगों ने क्या सोचा और किस आधार पर वोट किया। लेकिन 2-3 चीजें थी कि जो मैं इतने दिनों तक देखा, वहां पर जिस तरह से करप्शन की बातें की जाती थी वो हमें आंकड़े में नहीं दिख रहे थे। एंटी कमेंसी दिख रहा था सरकार के विरुद्ध में, लेकिन करप्शन एंटी गवर्नमेंट का जो होता है ओपिनियन उसके अगेंस्ट आता है। लेकिन वहां पे 2-3 चीजें आ रही थी कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है, महंगाई पे बात हो रही थी, लेकिन लोगों ने इसके बावजूद भी सरकार के विरुद्ध इतनी बड़ी कोई बातें नहीं करते थे। ठीक है, कर्नाटक में चुनावी मुद्दों से राजनीतिक पार्टियों ने अपना वोट बैंक साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित दूसरे नेताओं के बयानों से कई जो है गेम चेंजर चुनावी मुद्दे बने, जो 13 मई के नतीजों में कहा जाए कि एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो कर्नाटक के अगर सबसे बड़े मुद्दों की हम बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे बजरंग दल पर बैन का वादा। सबसे बड़ी बात, आपने राहुल जी के साथ अन्याय कर दिया, क्योंकि उन्होंने 21 रैलियां की है वहां पर, सोनिया जी ने एक और प्रियंका ने भी कुछ की है निसंदेह रोड शो के साथ। प्रियंका जी का जी? बिल्कुल, और मुस्लिम आरक्षण कोटा भी एक बड़ा फैक्टर बनकर मुझे लगता है कि चुनाव में नतीजों को कुछ प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, जिस तरीके से उनको सांप कहा गया, क्या वो लोगों के वोटर के दिमाग में छाप छोड़ पाएगा? नंदिनी डेयरी विवाद, ये आप जानते ही है कि भली भांति, हिजाब विवाद, टीपू सुल्तान विवाद, तो कुल मिलाकर ये तमाम वो मुद्दे जो क्या वोटिंग को जिन्होंने प्रभावित किया होगा। आरती, आपसे शुरुआत करूंगी, बताइए ये जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया यहाँ पर। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे जो है मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इसकी वजह से कर्नाटका का जो ये इलेक्शन था बिल्कुल पोलराइज हुआ। जेडीएस की जो पहले बहुत सिग्निफिकेंस थी, मुझे लगता है इन चुनाव के जो रिजल्ट्स आएंगे हम देखेंगे कि उसमें थोड़ी गिरावट हुई है। और कांग्रेस जो है बेशक सिंगल लार्जेस्ट नहीं होगा और इस पोजीशन में नहीं होगा कि गवर्नमेंट बना सके, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस मुझे लगता है बड़ी अच्छी होगी। वोटर्स ने ग्राउंड पे, मुझे जो मैसूर में कहा, जो कि गढ़ है जेडीएस का, वहां पे कांग्रेस के लिए बहुत सिंपथी थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए बहुत सिंपथी थी। और ये मुझे मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि वो कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपना मानते हैं, कि उनसे उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, होप से, और उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जेडीएस की जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी कम है। मुझे इसमें दीपक जी को भी लाना है, क्योंकि दीपक जी अभी मैं चर्चा कर रही थी, कल परसों में मेरी कुछ वरिष्ठ लोगों से चर्चा हो रही थी, तो उसमें निकल कर ये आया कि बीजेपी ने, माफ कीजिए, कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत बजरंग दल को बैन करने की बात की। उसका ये पॉइंट है कि AIMIM और जेडीएस को जो मुसलमान वोट जा रहा है अब वो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस को आएगा। आपको क्या लगता है दीपक? और अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया क्या ऐसा होगा श्री, बताइए क्या हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट होता दिख रहा है ये बजरंग बली वाली बात की बात? क्योंकि कुछ परसेंटेज हिंदू हैं 20% के आसपास, जो अभी भी 20 तो नहीं कहूंगा 15 से 18% जो अभी भी कांग्रेस को वोट देता है, क्या ये कंसोलिडेट बीजेपी के फेवर में होगा? मेरे ख्याल से ये जो मुस्लिम, आपने शोभना जी आपने बताया था मुस्लिम रिजर्वेशन का इश्यू, मुस्लिम एक दो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के बाकी जगह पे इतना डिसाइसिव नहीं है,
उनका वोट इतना डिसाइसिव नहीं है। वैसे आरती जी ने बोला था कि ये जेडीएस का अला जेडीएस का जो मुस्लिम वोट है वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस के साथ। तो ये मैं यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो बजरंग दल को बैन करने का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, क्या ये रणनीति आप जमीन पर कामयाब होते हुए देख रहे हैं कांग्रेस की, कि जो मुस्लिम वोट है जो बट जाता था जेडीएस एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच, अब वो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस को जा रहा है? नहीं, मैं सीधा सवाल मेरा यही दीपक जी का जो उन्होंने जो बोला था ये इसका काउंटर हो गया था, इसलिए कांग्रेस डिफेंसिव हो गया था। अब वो भी उसको भी मंदिर जाना पड़ा, वो भी मंदिर गए, exactly, बोला exactly. मैसूर और बैंगलोर के बीच में हम मंदिर exactly. बनाएंगे और क्या ये एक विशुद्ध गलती थी कांग्रेस की, जिस तरह की हिस्टोरिकल ब्लंडर वो करती रही है कई कई मुद्दों पर, और इसलिए खास तौर पर जो अंजनी पर्वत है और जो किष्किंधा का जो इलाका कहा जाता है जो हमारे त्रेता युग के अंदर है वो तो कर्नाटक में ही पड़ता है अगर मैं गलत नहीं हूं। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि छोटे छोटे जवाब मुझे नहीं लगता है कांग्रेस ने ये जानबूझ करके किया और एक कैलकुलेटेड रिस्क हम कर सकते हैं पूरा आकलन करके उन्होंने ये किया। उनको पता है कि यदि 16% मुसलमानों का वोट हमारे साथ खड़ा होता है तो हम +16 से शुरू करते हैं, और उनको पता है कि हिंदू समाज वो कलिंगा में डिवाइडेड है, लिंगायत में डिवाइडेड है, उनके उपजातियों में डिवाइडेड है, सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खड़ा करता है जो जब हिंदू वोट की बात आती है। मुस्लिम वोट का पैटर्न बहुत साफ है और ये पूरे देश में आपको दिखना, चाहे बीजेपी इसमें अपनी पूरी जान लगा दे, ठीक है, जहां बीजेपी हारने वाली है वहां उस पार्ट जो पार्टी हराएगी उसके साथ वो खड़ी हो लेकिन जाएगी। अगर Z News